चलिए क्विक पिक कार्ड है, देखते हैं आप लोगों के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। आपको एक से तीन में से कोई भी एक नंबर चूज करना है, देखने लिए अपने लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने एक नंबर चूज किया, देखते हैं आपके लिए कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। बहुत सुंदर एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के इश्यूज को लेकर परेशान है। जिन्होंने एक नंबर चूज किया है, आपको कोई यहाँ पे पोटेंशियल पार्टनर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे कोई आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो चाहे किसी इंसान के रूप में हो, कोई गुरु हो, या फिर कोई बर्ड का फिदर आपको इस मंथ में मिले। आपको जरूर कोई ना कोई नया पर्सन जो है इस महीने में अप्रोच करेगा और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। नया कुछ आपके लिए आ रहा है तो आप जरूर उसे कंसिडर कीजिएगा और नेचर में जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेचर से आपको बहुत सारे मैसेजेस इस महीने में मिलने वाले हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारे सवाल भी आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन वेट कीजिएगा मार्च महीना खत्म होने तक, क्योंकि इसके जवाब आपको बाद में मिलेंगे। जिन्होंने दो नंबर चूज किया है, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत भागदौड़ होने वाली है। जिन्होंने दो नंबर चूज किया आप लोगों के लिए, बहुत सारा काम है, बहुत सारी ट्रैवलिंग है और बहुत सारे काम एक साथ आने वाले हैं। आप थकने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि आप में वो एंथुजियाज्म एनर्जी रहेगी कि नहीं, मुझे कंप्लीट करना है, ये सारे मेरे काम है, मुझे कंप्लीट करना ही है। यानी आपको वो बोरिंग नहीं लगने वाले। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि आप इतने सारे काम एक साथ करेंगे तो कोई भी काम अधूरा ना छूटे, इसके बारे में ध्यान रहे। और दूसरी चीज ये है, जैसे गर्मी भी बढ़ रही है तो आपका दिमाग भी गर्म होने वाला है इस महीने में, मार्च महीने में। तो इसका ख्याल रखिएगा कि आप किसी पे अपना गुस्सा ना निकाले और ड्राइव करते वक्त स्पीड पे ध्यान दे, ज्यादा तेजी से नहीं चलाना है। जिन्होंने तीन नंबर चूज किया, देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। भाई, बहुत सारा पैसा आपके पास में आ रहा है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत हार्डवर्क हो चुका था। आप किसी कहाँ से पैसे आने के लिए वेट कर रहे थे। शायद कुछ खरीदना था आपको, कहीं पे इन्वेस्ट करना था, फिर खुद के लिए कुछ करना है, कहीं घूमने के लिए जाना है। तो ये मार्च महीने में हर चीज होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है और आप खुद के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं और करने की जरूरत भी है इस महीने में। कहीं पे घूमने के लिए जाना है, कुछ नया खरीदना है, नया हेयर स्टाइल करना है, या फिर कुछ कोर्स करना था, कुछ सीखना था, या फिर अपने लिए कुछ करना था। तो ये सारी चीजें हो रही है और ज्यादातर इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है जो फीमेल्स है वो अकेले रहना या फिर अकेले एंजॉय करना पसंद करेंगी। जरूर जाइए।